ग्वालियर चंबल की 34 सीटों के लिए बीजेपी की तैयारी अंबेडकर महाकुंभ के साथ दिखने लगेगी। ये आयोजन सरकारी होगा, इसलिए खर्च भी जनता की गाढ़ी कमाई से ही किया जाएगा। महाकुंभ के लिए 1,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर होने वाले भारी खर्च पर विपक्ष भी नजरें गड़ाए बैठा है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में होने वाला अंबेडकर महाकुंभ इन दिनों चर्चा में है। चर्चा इस महाकुंभ में होने वाले शाही खर्चों को लेकर भी। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ के आयोजन में 1,00,000 लोगों को जुटाने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग के एक पत्र के मुताबिक सरकार आयोजन में भीड़ जुटाने के लिए 2,500 बसें किराए पर ले रही है। इस पर 6,20,00,000 रुपए खर्च का अनुमान भी है। भीड़ जुटाने के लिए इतना बड़ा खर्च होगा तो विपक्ष को हमला करने का मौका तो मिलेगा ही। जो लोग बाबा साहेब को बांट गए यानी अपवित्र कहते थे, अब वोटों के लिए उनकी जयंती मना रहे हैं। प्रदेश में 4,50,000 करोड़ का कर्जा है, 600 गाड़ियां पूरे प्रदेश से भीड़ के रूप में लाने के लिए सौदा किया है सरकार ने। सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी को अंबेडकर महाकुंभ आयोजित ही क्यों करना पड़ रहा है। इसका जवाब 2 अप्रैल 2018 की वो घटना है जब एट्रोसिटी एक्ट में हुए संशोधनों के विरोध में ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत दंगे भड़क उठे थे। 2 युवकों की मौत और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसका नतीजा बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। बीजेपी को यहां 34 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आई थी और बीजेपी सत्ता से ही बेदखल हो गई थी। तब से बीजेपी दूध की जली है तो छाछ भी फूक फूक कर पी रही है और अंबेडकर महाकुंभ उसी की वानगी भर है। मैंने कहा आपसे कि वो आपस में लड़ने लड़ाने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल हो या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म, हम विकास जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के संबंध में हो, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल मची हुई है, वही उसका एक बड़ा कारण है। आदिवासी वोटरों के बाद बीजेपी की नजर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक यानी अनुसूचित जाति वर्ग पर है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15.6% आबादी एससी वर्ग की है, जबकि आदिवासी वर्ग की संख्या करीब 21.5% है। अब देखना यह होगा कि इस महाकुंभ के जरिए बीजेपी एससी वर्ग को जो संदेश देना चाहती है वो उसमें कितना सफल हो पाती है। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ अतुल पाठक की रिपोर्ट।